जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। ये पहले जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे 5 तक, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखें, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ क्वेश्चन की। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशियो 8:11, फाइंड द नंबर। आपने वो कहता है कि दो नंबर्स की रेशियो जो है वो आपके पास क्या है, 5:8 है। आपने क्या करना है कि एक नंबर है 9, वो इस रेशो में आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो न्यू रेशो आपके पास आएगी वो 8:11 होगी। ठीक है बेटा, अब आपके पास जो फर्स्ट नंबर होगा वो 5x है, सेकंड नंबर जो होगा वो आपके पास क्या होगा 8x है। इसको हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास फर्स्ट नंबर 5x है और सेकंड नंबर जो है वो 8x है। अगर इन दो नंबर में हम एक नंबर जो 9 उन्होंने कहा है कि आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो आपके पास न्यू रेशो आएगी वो आपके पास 8:11 होगी। ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि वो नंबर फाइंड करें वो कौन से नंबर होंगे जिनको ऐड करने से आपके पास 8:11 आ रहा है। तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखेंगे 5x है, इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है 9:11। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा आपके पास 8x है, इसमें आपने क्या ऐड करना है 9:9। ऐड करने के बाद जो आपके पास रेशो आएगी वो कौन सी होगी 8:11। ठीक है बेटा, अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है वैसे जैसे हमने पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 3.1 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, 5x+9, रेशो का साइन खत्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8x+9 = 8/11। ठीक है बेटा, 5x+9 over 8x+9 = 8/11। अब यहाँ से हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस वैल्यूज को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इसके साथ वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 11 × 5x+9। ठीक है बेटा, और = 8 × 8x+9। 11 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 55x+11 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 99 = 8 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 64x+9 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 70। स्टूडेंट्स, 55x+99 = 64x+72। अब इसमें क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज को आप एक तरफ प्लग कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो आप एक तरफ प्लग कर लेंगे। ठीक है बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा 99 72 को हम इधर ले आएंगे आपके पास कितना आ जाएगा 72 = 64x 55 को जब आप राइट हैंड साइड पर ले लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 55x आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे 99 में से जब आप 72 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 27x = 64 में से आप 55 माइनस करेंगे तो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 9। ठीक है जी, बड़ी टर्म के साइन जो साइन है वो आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं आएगा 9x। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9 को आप डिवाइड करेंगे 27/9 = x। ठीक है बेटा, अब 9 और 27 ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं और परफेक्ट डिवाइड हो रहे हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 9 × 3 = 27। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3। ठीक है बेटा, अब आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब उस क्वेश्चन में हमें वो कुछ ज्यादा कि दो नंबर बताए वो कौन से नंबर होंगे जिनको अगर हम 9 ऐड करें तो आपके पास ये न्यू रेशो आती है 8:11। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर जो होगा वो आपके पास कितना है, फर्स्ट नंबर जो होगा आपके पास बेटा 5x था तो 5x की जगह पर आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। एक नंबर होगा हमारे पास 15 और सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा बेटा, वो आपके पास 8x है तो 8 आप देखेंगे 8x, 8 की जगह पर आप x की जगह पर आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, ये दो नंबर हैं जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बेटा, 15 और 24। इसी तरह से अब हम
क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। 7 जो क्वेश्चन है बेटा सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसमें ये है कि न्यू नंबर जो ऐड करना है वो उन्होंने 10 दिया हुआ है और ये नंबर चेंज कर दिए हैं, बाकी सेम टू सेम प्रोसीजर ये है वो बेटा आप लोग क्वेश्चन खुद करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, वो कहते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 केजी मैंगोज इफ 5 केजी मैंगोज ऑफ कॉस्ट 250। तो आपने 8 केजी मैंगोज की जो प्राइस है वो मालूम करनी है आपने बेटा। मैंगोज कितने आपके पास? 5 केजी। और इसकी प्राइस कितनी आपके पास? 250। ठीक है बेटा, और 8 केजी मैंगोज की प्राइस जो है वो आपने मालूम कर लिया है। ठीक है, तो इसको भी हम रेशो की मदद से मालूम करेंगे। तो हम कहेंगे लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ 8 केजी मैंगोज। ठीक है बेटा, इसको देखें कैसे सॉल्व करना है हमने। अब देखें 5 केजी रेशो 8 केजी, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है हमारे पास, 5 केजी और 8 केजी। प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, इक्वालिटी का साइन भी आप डाल सकते हैं। तो 5 केजी मैंगो की प्राइस कितनी थी आपके पास? 250। ठीक है बेटा, और 8 केजी मैंगो की प्राइस कितनी थी आपके पास? तो हमने सपोज की हुई है वो आपके पास क्या है? एक्स है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 5/8 यहाँ पर के जी आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर भी के जी इज इक्वल टू 250/x आ जाएगा आपके पास। के जी से के जी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 5x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 5 को इधर डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से देखिए आपके पास क्या आंसर आएगा, 5 का 25 होता है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है बेटा, अब 8 को और 50 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 400। तो 400 प्राइस होगी आपके पास 8 केजी मैंगोज की। तो उसमें हमें ये पूछा था कि 5 केजी मैंगोज की प्राइस जो है वो 250 है, तो आप 8 केजी मैंगोज की प्राइस बताएंगे कि कितनी होगी। तो 8 केजी मैंगोज की जो प्राइस है वो बेटा आपके पास 400 होगी। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा उसको डिस्कस करते हैं कि उस आज देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ये सेम आसान क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने किए थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.1, तो बेटा देखिए उसमें ये कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपको दिया गया है 3x-2 रेशो 4, प्रोपोर्शन का साइन दिया गया 2x+3 रेशो 7। ठीक है बेटा, अब आपने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके पास बेटा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, प्रोपोर्शन का साइन आप जब भी सॉल्व करेंगे इसकी जगह पर इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। इक्वालिटी का साइन आ जाएगा 2x+3 रेशो 7। ठीक है बेटा, अब देखेंगे यहाँ पर रेशो का साइन है, इसको खत्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x-2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2x+3 डिवाइडेड बाय 7। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू
3x माइनस 2 और 4 इंटू 2x प्लस 3। 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21x माइनस 14 इज इक्वल टू 8x, 2 को अगर मल्टीप्लाई करवा रहे प्लस 12। x वाली वैल्यू पे एक तरफ प्लग करेंगे 21x माइनस 8x 12 प्लस 14। 21 में से 8 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, 21 में से 8 माइनस करेंगे 13 आपके पास आ गया। 13x इज इक्वल टू 12 और 14 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26। अब आप बेटा क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 13 को उधर डिवाइड करवा देंगे, 26 डिवाइडेड बाय 13, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 13 को उधर 26 होता है तो 2 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बेटा 11 के 3-4 पार्ट है उसको बेटा आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, वो आपके पास होमवर्क होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरह से पहले की तरह होमवर्क परफॉर्म करेंगे।